तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सीधा सीधा अगर थ्रो कर देते हैं तब जाके कहाँ पे गिरेगी। आज हम क्या बात करेंगे कि अगर वही बॉल को, ठीक है, उसी कार को, उसी बाइक को अगर रोहित शेट्टी ऐसे हवा में उड़ा के तब गिराता है तब क्या होगा। ठीक है, चीजें चेंज हो जाएंगी। बात करते हैं सब कुछ, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल से थ्रो कर रहे थे, जो जो बातें हमने पढ़ी थी वो सारी बातें आप यहां पे करोगे। ठीक है, याद है ना वो सारी बातें। चलो देखते हैं। तो ये देखो अबव हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा, इसमें हमने क्या किया है, कुछ एंगल पे उसको ऐसे थ्रो कर दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा है, एक एंगल पे उसको थ्रो कर दिया विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू। ओके, अब जब हम एंगल पे थ्रो करेंगे तो होगा क्या देखते हैं। तो ये एक्स में कुछ इस वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट के साथ जाएगा। जब हॉरिजॉन्टली फेंक रहे थे तब क्या हो रहा था, ये डायरेक्टली पूरा का पूरा इसका वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी पूरा का पूरा सिर्फ एक्स एक्सिस में था। अब क्या हो जाएगा, यू का एक कंपोनेंट यहां पे भी आ जाएगा और यू का एक कंपोनेंट यहां पे भी आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, इस वेलोसिटी के कारण उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी आ गया और साथ ही साथ वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गया। वर्टिकल वेलोसिटी के कारण ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा और उसके बाद हॉरिजॉन्टल के साथ कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, सामने की तरफ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो चलो देखते हैं, अब वही केस को हम लोग पढ़ेंगे जो जो चीजें हमने इसके पहले हमने फाइंड आउट किया था। क्या क्या फाइंड आउट किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद क्या फाइंड आउट किया था बताओ। तो हमने फाइंड आउट किया था कि उसका रेंज कितना होगा, फिर हमने फाइंड आउट किया था कि एट एनी टाइम टी उसका वेलोसिटी क्या होगा, हाइट क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका एक्स एक्सिस में कैसा मोशन है और वाई एक्सिस में कैसा मोशन है। ठीक है बच्चा, चलो देखो। तो ये हो गया, एक हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन डाटा, एक्स डायरेक्शन में क्या क्या है हमारे पास और फिर से वाई डायरेक्शन में क्या क्या है हमारे पास। ओके, अब देखते हैं एक्स में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है क्या हमारे पास एक्स में, दिख तो रहा है आपको हॉरिजॉन्टल में, क्या हो जाएगा ये यू एक्स का वैल्यू हो जाएगा यू कॉस थीटा और साथ ही साथ वाई में कितना वेलोसिटी है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, तो यू साइन थीटा, गॉट इट। एक्स में क्या एक्सेलरेशन होगा बताइए, तो एक्स में एक्सेलरेशन एज इट इज जैसे पहले हो रहा था, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, क्यों हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट थ्रो करते समय फोर्स लगाते हैं, उसके बाद कोई भी फोर्स कॉन्स्टेंटली इस बॉडी के ऊपर नहीं लगता सिवाय ग्रेविटी के। ठीक है, तो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन रहेगा और ग्रेविटी किधर लगती है, तो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में, है ना, वर्टिकली लगती है ना, और किधर आ जाएगा, इसको साइन कन्वेंशन के साथ अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस जी। ओके, अब देखते हैं और नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ है, यहां से फेंका है हमने और फाइनली आके कुछ नीचे गिरा है, तो वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बॉडी चाहे कहीं से भी घूम के आए बट फाइनली इसने वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो यहां से निकला है और ग्राउंड पे आया है, वाई में कितना नीचे गया है, वो कितना नीचे गया है, तुम क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा ये, माइनस एच डिस्टेंस नीचे गया है, गॉट इट। चलो अब देखो, और एक्स में कितना गया है फाइनल, अगर हम लोग यहां से यहां तक का बात करेंगे तो कितना गया है बताओ, तो आर गया है। ओके, ये कितने टाइम में गया है माइनस एच, कितने टाइम में गया है, जब तक वो यहां से निकला है और यहां पे गिरा है उतने देर में पूरा का पूरा वाई में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है माइनस एच। ओके, और एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूरा का पूरा कितना है, आर। ओके, दोनों किसके टाइम में हम देख, कौन से टाइम में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तब देख रहे हैं जब ये यहां से बॉडी गिर के यहां तक आ गई, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं, फिर से एक बार, हाँ, जितने देर बॉडी हवे में रहेगी दैट टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ओके, चलो देखो एक बात बताओ, हम लोग इस यहां पे ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पहले भी निकाला था, याद करो। अब देखो यहां पे एस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे के पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में एस वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस एच। ओके, यहां से यहां तक गिरने के टाइम में एस वाई का वैल्यू कितना है, माइनस एच, यू आई का वैल्यू कितना है, तो यू साइन थीटा,
इनटू कितना हो जाएगा, ये टाइम को हम क्या बोल देंगे, कैपिटल टी, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम देख रहे हो ना आप, ओके। और यहाँ पे और क्या लिखेंगे, ए वाई के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस जी, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, जी इनटू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है क्या, ठीक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हाफ जी टी स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके चलाता हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इन टू टी माइनस एच इक्वल टू जीरो कह सकते हैं। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में आ गया है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आ गया है। अच्छा बताइए x a के जगह पे कितना है, तो हाफ g कितना है, ये x के जगह पे t, b के जगह पे कितना है u sin थीटा, x के जगह पे कितना है t है, और c के जगह पे कितना है माइनस एच, ओके। हम जानते हैं कि x का वैल्यू कितना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सब लोगों को पता है, ठीक है, तो जैसे हम x का वैल्यू निकालते हैं वैसे यहाँ पे हम t का वैल्यू निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, तो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको बताइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ओके। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस यू साइन थीटा, b का वैल्यू कितना है माइनस यू साइन थीटा, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, बी स्क्वायर मतलब कितना, यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, हाफ जी इंटू 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 सी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस एच, सही बात है, सही बात है, फोर ए और सी लिख दिया हमने, ए के जगह पे इतना और सी के जगह पे माइनस एच, ओके। अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन हो जाएगा टू इंटू ए होता है, तो टू इंटू कितना हो जाएगा ये, हाफ जी, ओके, कट गया कट गया। यहां से टी का वैल्यू आपको मिलता है u sin थीटा प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, क्या लिखेंगे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहां से 2 2 2 2 4 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिल जाएगा यहां पे 2gh, और अपॉन हो जाएगा कितना g, ओके। अब देखना ध्यान से, एक बात बताओ, ये टाइम का भी निगेटिव होगा क्या, ऐसे सोच के देखो, यहां से हमने फेंका था और ऐसे ऊपर से फेंक रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि टाइम कम लगेगा, टाइम को ज्यादा लगना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो ऊपर से होके आ रहा है, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ऐसे फेंकने पे जितना टाइम लग रहा है उससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टाइम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो टाइम यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आ रहा है ना, तो देखो कितना टाइम हो जा रहा है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा ये u sin थीटा बाई जी प्लस माइनस वाला टर्म यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं बनेगा, इसका जो मीनिंग बनेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन कितना हो जाएगा g। एक बात देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करूं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, यहां पे देख लो, तो ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, यहां से फेंका यहां तक गया, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला था हमने, 2u sin थीटा बाई जी निकाला हुआ है, ओके। इसमें हम दो पार्ट में बांटते हैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट को, कि यहां से यहां तक जाने वाला टाइम कितना और यहां से यहां तक आने वाला टाइम कितना। पूरा टाइम कितना है, पूरा टाइम कितना है बेटा, पूरा टाइम कितना है, देखिए पूरा टाइम कितना है, ये पूरा टाइम है 2u sin थीटा बाय जी, जाने वाला टाइम जितना होगा उतना ही आने वाला भी टाइम होगा, टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के, और ये टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है u sin थीटा बाय जी। क्या यहां पे भी u sin थीटा बाय जी आया है, इसका मीनिंग ये है कि देखो क्या हो रहा है, यहां से अगर हम बात करेंगे, देखो ये वाला केस ये दिख रहा है आपको, सेम लेवल पे आ गया ना वापस, यहां पे अगर हम लोग यहां से फेंकेंगे और वापस यहीं पे आ गया, तो हम इसको एज अ उस केस को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हुआ है,
ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हुआ है, सेम सेम केस आपको दिख रहा है, और इसमें टोटल टाइम कितना लगना चाहिए था, 2u sin theta by g लगना चाहिए था, और एसएन टाइम कितना लगना चाहिए था, u sin theta by g, मतलब यहां से यहां तक जाने वाला टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट से इसके इस पॉइंट पे जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है यहां पे, u sin theta by g, और यहां से नीचे आने वाला जो टाइम है टोटल टाइम वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है इतना। ओके, तो दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस केस व्हेन वी प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑन अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, गॉट इट। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और फिर इसके बारे में और भी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए नोट कर लिया आपने, अब देखते हैं आगे की बात, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि ये बॉडी को यहां से यहां तक गिरने के लिए कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, कि अगर ये बिल्डिंग से फेंका गया है तो बिल्डिंग से कितनी दूर जाके गिरेगा, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स रेंज निकालना है। तो चलो रेंज निकालते हैं। ओके जी, चलो देखते हैं, रेंज को हम यहां पर डिनोट करते हैं किससे, आर से। ओके, और एक बात बताओ, आर का मतलब क्या है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, फाइनली कितना दूर जाके गिरा है, गॉट इट। तो देखो, तो आर कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन ये रहा ये रहा ये रहा, एक्सेलरेशन कितना जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, रेंज कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा ux इंटू कितना, टोटल टाइम के लिए देख रहे हैं ना हम लोग, यहां तक गिरने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा ना, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, लेकिन आपको तो पता है कि ax का वैल्यू कितना है, तो जीरो है, तो जीरो ये कट गया, ये पूरा पूरा टर्म कितना हो गया जीरो। तो अब देखते हैं r का वैल्यू, ux का वैल्यू हमें पता है कितना है, u cos theta और इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी आप जस्ट निकाले हो, है ना। तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट को पुट करो और आपका रेंज आ जाएगा फटाफट, ठीक है, कर लेंगे आप इसको, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था, उससे जो भी वैल्यू आएगा, अब उसको मैं अगर यहां पे लिखूंगा तो वो बहुत बड़ा टर्न बन जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसका फॉर्मूला लर्न करो, ठीक है। आप इसको कैसे करोगे, जैसे कंसेप्ट वाइज बताया गया है आप एग्जैक्टली उसी तरह से करते जाओगे। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेना, कुछ डेटा आ जाएगा उसका, और उस डेटा के साथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेंज आ जाएगा। ओके, अब ये निकल गया आपका रेंज। और अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछता है कि बताइए बताइए मैक्सिमम हाइट कितना होगा, बताइए बताइए, तो हम बताएंगे ना कि नहीं बताएंगे, गुस्सा थोड़ी ना होगा आप, चलो बता दो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो मैक्सिमम हाइट कहां से होगा, ठीक है, ये देखो एक तो पहले से ही हाइट पे है, ये कितने हाइट पे है, एच हाइट पे है, आपको मैं बोल रहा हूं कि ये कितना ऊपर और जाएगा। तो ये तो बहुत आसान केस हो गया, ये तो वो वाला केस हो गया ना, ये वाला हाइट तो हमें ऑलरेडी पता है और इतना हाइट हमें पता करना है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला हाइट अगर हम निकाल लेते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हमने देखा था ये मैक्सिमम हाइट कितना होता है, ठीक है, और ऑलरेडी ये कुछ हाइट के ऊपर है, तो ये वाला हाइट h और प्लस क्या कर देंगे हम लोग, ये वाला हाइट ऐड कर देंगे, इसको मैं स्मॉल h से डिनोट कर देता हूं। तो मैक्सिमम हाइट यहां पे आ जाएगा आपका टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड, टोटल मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा तो आप निकालना हाइट फ्रॉम ग्राउंड व्हाट विल हैपन, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे, इसको मैं बोल देता हूं टोटल को एच डैश। ओके, और वो किसका सम हो जाएगा, ये वाला हाइट और प्लस ये वाला हाइट जिसको हमने किससे डिनोट किया है, स्मॉल एच से, तो ये हो जाएगा एच प्लस एच, और एच का वैल्यू तो फिक्स है ना, एच का वैल्यू, ये स्मॉल एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बताओ हमें पता है ना ये वाला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में कितना होता है एच का वैल्यू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, कितने बच्चों को पता है, ये सबको पता है, चलो देखो, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आपको ये पता चल जाएगा कि ग्राउंड से मैक्सिमम कितने हाइट पे रहेगा, ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और बातें करेंगे और ये देखेंगे कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी कितना हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करो फटाफट फटाफट नोट डाउन करो। चलो आपने ये नोट कर लिया, अब नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी हम किसका निकालने वाले हैं, इस प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, ठीक है,
During flight at any time t, what will be the velocity of that projectile? We will find this. कि कितना हो जाएगा? तो मान लो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं. कुछ यहाँ पे. इसकी velocity किधर होगी? कैसे चलेगी? Tangentially चलेगी. Okay. Parabolic path है ये. Tangentially चल रही है ये body है ना? अब इसके हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं कि इसका मैं x component निकाल लेता हूँ और y component निकाल लेता हूँ और दोनों को क्या कर लेंगे? दोनों की वजह से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि resultant कितना होगा. तो vx का value कितना है दोस्त? तो vx का value कितना हो जाएगा यहाँ पे? ux के बराबर. क्यों हो जाएगा? क्योंकि x में कोई acceleration नहीं है, लेकिन y में तो है, है ना? y में कितना है? तो y में है minus g. तो इसका हम लोगों को बोल देंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? vy हो जाएगा. vx का वैल्यू लिखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे? ux के बराबर, दैट इज u cos थीटा. और vy का वैल्यू कितना हो जाएगा एट एनी टाइम t? तो बताओ कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? ui प्लस ay इंटू टी. टी टाइम में अगर किसी भी बॉडी का हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके. और ui का वैल्यू एज वी नो कि u sin थीटा, और ay का वैल्यू माइनस जी टी. ओके, माइनस जी, और ये हो गया टी. एट एनी टाइम टी आपको vy पता चल गया, एट एनी टाइम टी आपको vx पता चल गया. आपको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर कि उसका वेलोसिटी कितना होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें उसका x कंपोनेंट पता है, हमें उसका y कंपोनेंट पता है, तो क्या लिखेंगे? vx i कैप और vy j कैप. vx का वैल्यू कितना है? बहुत आसान है, आपके पास सारा डाटा गिवन है. अब u cos थीटा i कैप प्लस क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया. ये कितना हो जाएगा? u sin थीटा माइनस gt कितना? j कैप. ओके, ये हो गया आपका वेलोसिटी एट एनी टाइम टी. मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बहुत आसान है. कैसे निकालेंगे? x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है, बताओ बताओ क्या करेंगे? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करेंगे. क्या मिल जाएगा यहाँ पे? तो u u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर. ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ये मिल जाएगा आपको u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. चलो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ स्पेस बना लेते हैं. डी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी टी. इतना टर्म हो जाएगा ना ये, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका वैल्यू आ गया? इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना? वन. तो ये हो गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी टी. हो गया, बस हैप्पी, खुश रहो, आबाद रहो. ओके, गॉट इट. तो ये इतना टर्म आ गया आपका, ये आ गया आपका वेलोसिटी. अब ये वेलोसिटी, अब ये भी पूछेगा आपसे, वो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछेगा आपको, जो जो मन करेगा उसको वो पूछेगा, ठीक है. जेई की तैयारी कर रहे हो आप या नीट की तैयारी कर रहे हो, उसको जो जो मन में आएगा वो पूछेगा. तो आपको उसके लिए उतना प्रिपेयर रहना पड़ेगा. बोलेगा कि ये वाला एंगल बताओ तो कितना है, तो हम बता देंगे ये वाला एंगल कितना है. क्या बोल दो बताओ? अल्फा बोलो, बीटा बोलो, गामा बोलो, क्या बोलो बताओ? चलो बोल देता हूं मैं, अल्फा बोल देता हूं इसको, ठीक है. तो ये हो जाएगा कितना? टैन अल्फा इक्वल टू, टैन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से? वी वाई बाई वी एक्स लिख सकते हैं. क्या हो जाएगा ये? वी वाई बाई वी एक्स. वी वाई का वैल्यू हमें पता है, ये रहा वी वाई. तो क्या लिखेंगे? u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स का वैल्यू पता है हमें कितना है? u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा. अब यहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज tan इनवर्स, ठीक है. जो भी आएगा vy, जो भी आएगा vx, इसको हम इस तरह से इसके अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे. आपको यहां पे ये पता चल गया कि एट एनी टाइम टी उसके पास कितनी स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, और साथ ही साथ वो कितने एंगल के ऊपर लग रहा है. तो इतने एंगल के ऊपर लग रहा है, ठीक है. इसमें कोई डाउट? ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे. आरके सर आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे, इसीलिए तो आया हूं मैं यहाँ पे. गॉट इट. चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं. तो हमने देख लिया ये कि एट एनी टाइम टी क्या वेलोसिटी होगी. ओके, अगर मुझसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि
ये जब स्ट्राइक करेगा, जब ये जो प्रोजेक्टाइल ऊपर से आएगा और जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, उस टाइम पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी? तो बोल देते हैं कुछ वी होगी यार, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, चलो बी है इसको बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको नाम देते हैं वी बी। और इस वी बी का वैल्यू कितना होगा देखते हैं, बात करेंगे हम इसके बारे में। ओके, यहां भी क्या करना है हमें वी बी निकालने के लिए, एक्स कंपोनेंट निकालो, वाई कंपोनेंट निकालो, यहां पे कुछ एक्स कंपोनेंट आएगा इसका, कुछ वाई कंपोनेंट आएगा, और दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं वी बी का वैल्यू कितना होगा। एक्स कंपोनेंट आपको पता है कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो वी बी एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हो गया यू कॉस थीटा। ओके, और वी बी वाई कितना हो जाएगा, तो हम लोग निकालेंगे वी बी वाई कितना हो जाएगा। ओके, क्या कैसे निकाल सकते हैं यार हम लोग, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, इसका इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, इसका फाइनल मुझे निकालना है, और एक बात मुझे पता है कि वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना, सॉरी वाई में वेलोसिटी कितना है ये निकालना है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वाई में, कितना हुआ है तो माइनस एच हुआ है ना, क्या लिखेंगे यहां पर, वी बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई, ऐसा बोलेंगे, और एस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस एच, ए वाई की जगह पे कितना आ जाएगा माइनस जी, तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे वी बी वाई स्क्वायर। बहुत आसान है ये, तो सिंपल सी बात है कि वाई में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो आप पहले से ही जानते होंगे कितना होता है, कितना होता है बता दो इसका, यू आई हम लोग पहले पढ़े हैं ना, जब वन डी मोशन पढ़ रहे थे, तो वन डी मोशन में आपने सुना होगा कि किस चीज को ऊपर फेंक रहे हैं या फिर नीचे फेंक रहे हैं, तो क्या हो जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगा लेते हैं, और उसका वैल्यू हो जाता है यू स्क्वायर प्लस टू सी एस, देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, यू आई का वैल्यू कितना होगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए वाई का वैल्यू माइनस जी, एस वाई का वैल्यू माइनस एच, ठीक है, नो डाउट। अब देखो वी बी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच, ठीक है, ये टर्म आया वी बी वाई का और ये टर्म आया वी बी एक्स का, और आपको निकालना है वी बी, ये देखो कितना आसान हो गया, क्या कर लेंगे हम लोग, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, ठीक है, तो वी बी एक्स स्क्वायर प्लस वी बी वाई स्क्वायर, टन 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 कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी बी वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच। ओके, अब बताइए ये कितना वन, तो बताओ ये हो गया यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ओ माई गॉड ये तो बहुत आसान था सर, ठीक है, हमें लग रहा था कि जैसे इसके पहले वाला आया था वैसे ये भी आएगा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा आने वाला था, लेकिन ये तो बहुत आसान निकला है ना, तो आसान है तो आसान निकलेगा, ठीक है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आसान है, ठीक है, आसान मत समझ लेना वो आसान है। ओके, तो चलो नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग और भी केसेस देखेंगे इसके, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो चलो इतना हो गया बात, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो अबव हॉरिजॉन्टल फेंका है ना हमने, अब उसको हम लोग बिलो हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे, यहां से ऐसे खड़े हुए टावर पर पक से ऐसे फेंक दिए, कैसे फेंक दिए, पक से फेंक दिए, तो जब पक से फेंक दिए तब क्या होगा, कैसे कैसे केसेस होंगे, क्या क्या होंगे, वो सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो कीप वॉचिंग है ना, एंड बी मोटिवेटेड, चलो मिलते हैं, बाय बाय।